9 तारीख को नसिया, मोदी जी की नसिया से घट यात्रा, घट यात्रा में अब वो किसका प्रोग्राम है, संपूर्ण इंदौर का, संपूर्ण इंदौर का। कल पूरी कमेटी बनाई गई थी, संपूर्ण इंदौर के हर मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उनको संयोजक और उपाध्यक्ष बनाया गया है, यहां के भी और संपूर्ण इंदौर की टीम बना करके वो कार्यक्रम होगा दलाल बाग में, है ना। कौन करने वाला है, आप और हम, हम और आप मिलकर करेंगे वो कार्यक्रम। और वो कार्यक्रम में उस दिन बृहद घट यात्रा होगी 9 तारीख को संपूर्ण इंदौर की, और 10-11 में उस दिन होगा भगवान पार्श्वनाथ भगवान जी का जन्म कल्याणक मनाएंगे। अब जन्म कल्याणक के उपलक्ष में वहां पर होगी आराधना भगवान की। बोले कि हम यहां जाते वहां क्यों जाते हो, कहीं किसी, अभी एक व्यक्ति बागेश्वर बाबा के पास जैन साहब गए अपनी अर्जी लगवाने के लिए, और जब उनकी पर्ची निकल आई तो बाबा जी के मंच पर पहुंचे, उन्होंने पूछा नाम, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत ना पड़े। उसने ये ध्यान रखना 9, 10, 11 तीन दिन का जो प्रोग्राम है ब्रज, उस प्रोग्राम का आनंद लेना और देखना कि मार्च ना क्या होती है। हम लोग हजारों विधान करते हैं, पर मैंने कहा ना व्यवस्थित करो, भगवान कहते हैं कोई भी काम करो व्यवस्थित करो, देखभाल के करो, संयम के साथ करो, सम्यक रूप से करो, तो उसका फल तुम्हें तुरंत मिलता है। और ये तुम करते जा रहे हो उससे क्या हो रहा है, इसे इसका ध्यान रखें 9, 10, 11 जिसमें आपके लिए सबको जुड़ने के लिए, है ना, जो अपने रोज के वस्त्रपन पहनते हैं, चाहे वो मंदिर जाओ कहीं जाओ, उस साड़ी को नहीं पहनना है, उस विधान में आपको नई साड़ी पहन के बैठना है, नया कपड़ा जिसको बिल्कुल कभी पहने नहीं है, उसका चमत्कार अलग होता है।